अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चस्का चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी यानी कि टिक्का मैक्रोनी लेके। मैक्रोनी यानी पास्ता एक तो इटालियन डिश है, कॉन्टिनेंटल डिश है, लेकिन हमने इसको थोड़ी सी रेसिपी में इसमें चेंज की है और उसको देसी टच देने की कोशिश की है, यानी कि टिक्का के साथ, चिकन टिक्का के साथ बनाया है, लेकिन हमने कुछ इस तरह से रेसिपी को मिक्स किया है कि वो देसी और कॉन्टिनेंटल दोनों मिक्स हो चुकी है। तो आप रेसिपी को एंड तक देखें, वीडियो हमारी एंड तक देखें, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने किस तरह से इसमें वेरिएशन देने की कोशिश की है एक कॉन्टिनेंटल और देसी रेसिपी को। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं हमारी टिक्का मैक्रोनी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी टिक्का मैक्रोनी। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल गरम करने रख दिया था कढ़ाई में। अब इसमें मैं डाली हूँ प्याज और एक प्याली प्याज, एक प्याली शिमला मिर्च और थोड़ा सा नमक। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए हमारे प्याज और शिमला मिर्च अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। निकाल के एक साइड पर रख लिया है। अब हम घर के 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये आपको पेस्ट ग्रीन लग रहा है तो वो इसलिए है कि जो लहसुन था वो हमारा चाइना लहसुन था, तो इसको मैंने पीस के रखा था तो ग्रीन हो गया। लहसुन अदरक का पेस्ट ख़राब नहीं होता, लेकिन बस वो चाइना लहसुन होता है। देसी नहीं मिला था मुझे, चाइना लहसुन मिला था, उन्हें ले लिया। तो ये पेस्ट करते हैं हम इसको, तो ये ग्रीन हो जाता है। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, साथ ही इसमें चिकन डालेंगे। ये आधा किलो चिकन बोनने से हमारी मैक्रोनी भी हमने आधा किलो ही ली है, तो जितनी मैक्रोनी है हमारी उतनी ही हम इसमें चिकन डालेंगे ताकि इक्वल इक्वल हो। और इसमें हम डालेंगे हमारा टिक्का मसाला। अगर आप, ये हमारा होममेड मसाला है, अगर आपने हमारी ना देखी हो रेसिपी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक डाल लेंगे, तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से हमने हमारा टिक्का मसाला रेडी किया था। थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे। ये देखिए हमारा अच्छी तरह से भून चुका है मसाला। अब मैं इसमें 1/2 बाउल पानी का डालूंगी और इसको मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक हमारी चिकन गल जाए और पानी में बॉयल आ जाए, फिर बाकी चीज़ें हम इसमें बाद में डालेंगे। ये देखिए हमारे पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है चिकन के। इसको मैं एक पीस को चेक करती हूँ। ये देखें चिकन भी हो गई है हमारी रेडी। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून, छोटी प्याली में मैंने कॉर्नफ्लोर को मिक्स किया था, उसको मैं अब डालूंगी इसमें और उसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। दो तीन मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी मैक्रोनी जो बॉईल करके रखी थी। बॉईल करने के बाद फौरन आप इसमें से ठंडा पानी गुजारें ताकि वो ओवर कुक होने से बच जाए, वरना अगर इसको आप ठंडा गर्म पानी में ही छोड़ देंगे तो वो ओवर कुक हो जाएगी और नरम नहीं, नरम ज़्यादा हो जाएगी। अब ये देखें ओवर कुक नहीं हुई थी, हमने फौरन इसको ठंडे पानी से गुजार के रख दिया था, तो ये बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म में है और टूटी नहीं है ना नरम हुई है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको 2-4 मिनट दम पे रखेंगे, फिर हम बाकी चीज़ें इसमें बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा मिक्स हो चुका है सारा कॉर्नफ्लोर।
थिक सा हो गई है हमारी जो मैक्रोनी थी वो थिक हो गई है, जिसका जो लिक्विड था। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिरका, तकरीबन एक टेबल स्पून करीब, सोया सॉस वो भी एक टेबल स्पून करीब, और इसमें सराचा सॉस डालेंगे थोड़ी सी, एक टेबल स्पून करीब, डेढ़ टेबल स्पून मेरी हो गई है, और इसमें थाई स्वीट चिली थोड़ी सी। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो मिर्चों का टेस्ट है, सॉसेस का जो टेस्ट है, सारा ये तीखी सॉसेस हैं, जो सराचा भी है और थाई स्वीट चिली, तो आप उसको अपने टेस्ट के हिसाब से डालें कि अगर आप लाइट पसंद करते हैं तो लाइट डालें, अगर आप है जो हॉट टेस्ट पसंद करते हैं तो आप तेज़ डालें। इसको हम 5-6 मिनट ही दम पे रखेंगे, फिर बाकी चीज़ें हम इसमें बाद में सेट करते हैं। इसमें थोड़ा सा दम लग चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने शिमला मिर्च और प्याज जो फ्राई करके रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। हमने इसको पहले से फ्राई करके इसलिए निकाल लिया था कि बस ये दम पे ही हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, उसको फ्राई भी करना था, क्रिस्पी थोड़ा सा करना था, इसलिए हमने पहले फ्राई करके निकाल लिया। साथ साथ पकते रहते तो ये बिल्कुल गल जाते। हमारा रेडी है पास्ता, इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमने हमारा जो टिक्का पास्ता था उसको हमने डिश आउट कर लिया है। अब इसको ऊपर से हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स और थोड़े से थाइम लीफ। इसको हमने थोड़ा सा जो हमारा देसी रेसिपी थी उसको हमने थोड़ा सा इटालियन टेस्ट दिया है थाइम से और मिक्स हर्ब्स से। अगर आपको पसंद आए तो लिंक को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस अपलोड होते ही आपको मिल जाएं। अल्लाह हाफिज़।